गाइस, हमारी इस वीडियो में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 से आपको 4 नंबर मिलेंगे और 4 नंबर जो हैं आपके ये प्रो सेक्शन से होंगे, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको सही जो है फिल करना होता है और एक नंबर आपको पक्का हो जाता है। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, 4 ही आपके सेंटेंसेस आएंगे भरने के लिए, फिल करने के लिए, और 4 ही आपको करने हैं। एक एक नंबर का आपका एक एक सेंटेंस होगा। अब देखिए, इसमें आपको इंग्लिश प्रो से आपका फिल इन द ब्लैक्स आएगा। इसमें आपको लेसन नंबर 2, जिसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर, लेसन नंबर 3, जिसका नाम है द सेक्रेट ऑफ सक्सेस एंड पावर, यानी इसके आपको फिल इन द ब्लैंक्स इसके अच्छे से लर्न करने हैं। लेसन नंबर 5, आई एम जोन सार्ट, 6 है वुमेन्स एजुकेशन एंड 7 है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ऐसा आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, जिसमें आपको 4 सेंटेंसेस मिलेंगे फिल करने के लिए और 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। 4 में से आपको जो सही होता है वही फिल करना है और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में होगा वो होता है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम। यानी आपको जो है सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा किसी भी पोयम का, 3 या 4 आपको दे देते हैं, उसमें से आपको एनी वन करना होता है, कोई एक करना होता है। और इसके लिए आपको पोयम नंबर 2, पोयम नंबर 5th, 8th और 10th, यानी आपको जो है प्रोज से तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका प्रोज बुक पूरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5th से आपका शुरू होता है पोएट्री की बुक, उसमें आपको पोएम्स के सेंट्रल आइडिया लिखने होते हैं पहले। इसके लिए आपको पोएम नंबर 2, जिसका नाम द ट्रू ब्यूटी है, 5th का नाम है अलेमेंट, पोएम नंबर 8 का नाम है माई हिवन और 10 का नंबर है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। पोएट्री से आपका ये सेंट्रल आइडिया आएंगे और आपको यही याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो आपका होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो बुक है आपका ड्रामा लगा हुआ है आपके सिलेबस में मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इसमें से आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है आपको, जो आपका होता है 8 नंबर का, लगभग 75 वर्ड्स का होता है। आपको ये 75 वर्ड्स देखते ही पहचान लेना है कि आपका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और जहाँ पर आपको 35 वर्ड्स मिलेंगे वो आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चन। सो इसमें गाइज आपको ये 4 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगी वही आपको याद करने हैं, और जो आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका अच्छे से आपको आपके सामने क्वेश्चन रखूंगी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट इज द रिंग एपिसोड इन द प्ले, यानी इस प्ले में आपके 3 एपिसोड हैं जिसमें से आपका है एक रिंग एपिसोड। व्हाट पर्पज डज इट सर्व, यानी रिंग एपिसोड की क्या विशेषताएं हैं और क्या इसका उद्देश्य है, ये आपको इसमें लिखना है। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है जहाँ पे आपको रिंग एपिसोड नज़र आ जाएगा तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव अस कैरेक्टर स्केच ऑफ साइलो। जैसे आपको पता है या इसमें जो है आपको कैरेक्टर लिखना होता है, कैरेक्टर स्केच लिखनी होती है, उसमें पोर्सिया का है, साइलो का है और एंटोनियो जो है मेन है इसके 3 कैरेक्टर। सो आपको विलन है ये साइलो, इसके कैरेक्टर के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रिंग आउट द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रायल सीन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें 3 सीन है, रिंग एपिसोड का ऊपर हो चुका है, ये ट्रायल सीन है, और 4th क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोर्सिया। मैंने आपको बताया कि 3 कैरेक्टर हैं इसमें, साइलोक विलन है, पोर्सिया इसकी हीरोइन है, तो मैं आपको पोर्सिया कैरेक्टर भी कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपको अच्छे से इसको याद करना है। 8 में से आपको 6 से 7 नंबर मिल जाते हैं अगर आप हल्का फुल्का भी इसको लिख देते हैं। सो आपको इसे समझने के लिए यानी इस क्वेश्चन की तैयारी के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन क्वेश्चनों के बारे में सही से बताऊंगी नोट्स के जरिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सारे नोट्स मेरे हैंडराइटिंग में ही बने हुए हैं। सो गाइस, आपको अगली वीडियो के का वेट करना होगा, ये बहुत जल्दी आएगी। सो आपको अपने फ्रेंड्स में से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।